सोचिए कि लॉटरी लग गई है। कौन सी लॉटरी? स्टॉक मार्केट। पिछले हफ्ते मुंबई में 2000 करोड़ की चोरी हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस के पास अभी तक कोई लीड्स नहीं है। स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वो इसकी सूचना सुचिता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और मां रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वो इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वो निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श
व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुंच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देने देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकट राजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है।
वह इसकी सूचना सुचिता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचिता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचिता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक के शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचिता को वेंकट राजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया।
सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। सीबीआई ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति, भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं।
हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, जुआरी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देने देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक के शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन अतः तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह BSE के बुलंस में से
एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएस से बियर कार्टल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, जुआरी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकट राजन से घोटाले में NHB की सफलता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अत तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई।
एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, जुआरी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेल्लारी से
एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे है। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। आरबीआई एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकट राजन से घोटाले में एनएचबी की सफलता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद सीबीआई फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद सीबीआई ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। सीबीआई ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो
प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देने देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंकें शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकट राजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन अतः तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था लेकिन वह इतना सफल नहीं था इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया।
जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली, लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचिता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अत तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्रीराम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है।
केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो। स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति, भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने
यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचिता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देने देखने पर IBI गर्न ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचिता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्रीराम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचिता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचिता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति, भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह BSI के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में BSI बियर कार्टेल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं।
और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुंच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अत तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है, जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो। स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और मां रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे।
शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेट का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, जुआरी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सफलता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अत तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान
मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। सीबीआई ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुंच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, जुआरी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा।
हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचिता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचिता को वेंकट राजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्रीराम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचिता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचिता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह BSI के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में BSI बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से
चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचिता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक के शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकट राजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अत तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्रीराम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो
स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और मां रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेल्लारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है।
आरबीआई एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में एनएचबी की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद सीबीआई फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद सीबीआई ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। सीबीआई ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी,
तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सत्यता के बारे में पता चलता है, तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अत तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो। स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए।
बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेट का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल जुआरी एग्रो और ACPIC जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे है। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन अतः तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि
हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो। स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वो इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसए के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसए बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने एसबीआई को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के एसबीआई खाते में गड़बड़ लेन देने देखने पर आईबीआई गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा।
हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचिता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्रीराम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचिता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह BSI के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में BSI बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच
पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुंचती है ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए है। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे है। वेंकट राजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक के शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन अत तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचेता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई।
उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षित को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा लेकिन वो बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है तो वह दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक के शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सक्रियता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन अतः तो बात नहीं बनती और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया जिसके आधार पर
वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो स्कैम 1992 देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह इसकी सूचना सुचिता को देता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति, भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और माँ रसीला बेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था, इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराशा हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाई। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला, जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुलंस में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केड़िया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को अमाउंट 10 लाख के नुकसान से जूझना पड़ा। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम है। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपने कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुँच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाता खोलने के लिए पहुँचती है, ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सके। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक है, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचिता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भूषण पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है। प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंडोल, ज्वारी एग्रो और एसीपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती है और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मन मुद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है,
तो वो दलालों का अपना क्वार्टर लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने SBI को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। हर्षद के SBI खाते में गड़बड़ लेन देने देखने पर IBI गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से अमाउंट 500 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश करता है, जबकि हर्षद ने SBI को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है। सुचेता बेलारी से एक टिप प्राप्त करने पर अमाउंट 500 करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल है और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कई अधिक बड़ा है। RBI एक जांच समिति स्थापित करता है। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में NHB की सफलता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद CBI फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद CBI ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतः तो बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्रीराम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हर्षद ने उपचुनाव प्रचार के लिए अमाउंट 1 करोड़ का ब्रीफ पैकेज दिया था। CBI ने मेहता और ग्रोमर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जज ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज है। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में CBI को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण CBI को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहाँ होता है जहाँ पुलिस उसके शव को थाने सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है। बात करें इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हो तो सोनी लाइव पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो